सोशल मीडिया पर छाए मिस्टर व्लॉगर चाय वाला। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। मेरठ की जागृति विहार स्थित मिस्टर व्लॉगर चाय वाले सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जहां आजकल युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेकर प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की चाह रखते हैं, वहीं उन्होंने मार्केटिंग की नौकरी को छोड़कर चाय का स्टॉल खड़ा किया। युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी उनके पास चाय की चुस्की लेते नजर आते हैं। चाय का स्टॉल लगाने वाले इस युवा को अक्सर लोग मिस्टर व्लॉगर चाय वाला के नाम से ही जानते हैं। आज हम उनके जीवन के सभी पहलुओं पर बात करेंगे। बता दें कि जितेंद्र सिंह खरे मूल रूप से बागपत के रहने वाले हैं। 12वीं उत्तीर्ण कर आगे की पढ़ाई करने मेरठ आ गए। मवाना रोड स्थित ट्रांसलम इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से बी फार्मा किया। इसके बाद प्रतिष्ठित कंपनी में मार्केटिंग विभाग में नौकरी की, लेकिन उन्हें जिंदगी में इससे भी ऊंचा मुकाम हासिल करना था। वे नहीं चाहते थे कि वे किसी और के लिए नौकरी करें। वहीं शुरुआत में उन्होंने नौकरी के साथ साथ चाय का स्टॉल चलाया, लेकिन स्टॉल को समय ना निकालने के चलते उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। आज उनके खूब प्रशंसक हैं, घर वालों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। खास बात यह है कि वे जागृति विहार में अकेले पीजी में रहते हैं, परिवार बागपत में रहता है। चाय तो हर कोई बनाता है, लेकिन जितेंद्र को कुछ हटके करना था। उन्होंने चाय के स्टॉल का सेटअप ब्लॉगर की तरह किया। स्टॉल को देखते ही स्टूडियो का सेटअप नजर आता है, जहां ग्राहकों के फीडबैक का ब्लॉग बनाकर YouTube पर शेयर करते हैं। YouTube पर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने स्टॉल पर अनेक किताबों का कलेक्शन भी रखा हुआ है, जहां चाय की चुस्की के साथ लोग किताबें भी पढ़ते नजर आते हैं।